पार्ट 7 में हम देख चुके हैं सुनिन और बाकी सब झाड़ू पोछे लेकर जिनको कंपनी से बचाने पहुंच जाते हैं। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 8 से पहले पार्ट 7 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 8 में हम देखते हैं सुनिन और बाकी सबको एहसास होता है कि उन सब ने कंपनी को गलत समझ लिया था, तो वो उनसे सॉरी मांगते हैं, जिनके कहने पर कैमरामैन सुनिन को अंदर रुकने देता है और बाकी सब बाहर उनका वेट कर रहे थे। जब कैमरामैन जिनकी फोटोज खींच रहा था तो सुनिन बहुत खुश हो रही थी। कैमरामैन जिनको फ्यूचर में भी उनके साथ काम करने को कह रहा था, तभी वहाँ कंपनी की चीफ एडिटर आ जाती है और जिनको टच करके उसे हैंडसम कह रही थी, फिर वो उसे वीचैट पर ऐड करने को कहती है। ये देख देख सुनिन को गुस्सा आ रहा था और कहती है, तुम अपना बटन क्यों नहीं बंद करते। उसकी इतनी तेज आवाज सुन सब भगे भगे आ जाते हैं, पर चीफ एडिटर जुन से कहती है, मैं तुम्हें 80,000 देने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। जुन कहता है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर मेरी गर्लफ्रेंड हाँ करेगी तभी मैं साइन करूँगा। सुनिन सोचती है, अगर मैंने मना किया तो किंगमिंग की स्पॉन्सरशिप कैसे होगी, पर मैं उसके लिए अपने हस्बैंड को नहीं बेच सकती, और ऊपर से जुन को भी मुझ पे भरोसा है। वो सब उससे पूछते हैं तो वो कहती है, बिल्कुल नहीं। तो सब बहुत खुश होकर क्लैप करते हैं और फिर चले जाते हैं। कैमरामैन और चीफ एडिटर दोनों हैरान थे, पर उन सब के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी, जो थी किंगमिंग की स्पॉन्सरशिप के लिए मनी प्रॉब्लम। जुन कहता है, मैं उस लड़के को खुद को पीटने को कहूँगा तो शायद एक्सपेंसिव वॉच वापस मिल जाए। सुनिन उसे मना करती है और फिर उसे एक आइडिया आता है। नेक्स्ट सीन में जुन लाइव स्ट्रीम कर रहा था और सुनिन के कहने पर फैन के क्वेश्चंस का रिप्लाई दे रहा था। बाकी सब हैरान थे कि जुन के फॉलोअर्स इतनी जल्दी कैसे बढ़ रहे हैं और उसे मनी रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं। तो लिंगजोन कहता है, जुन तो मनी प्रिंटर है। जब फैंस जुन से पूछती है, तुम्हें किस टाइप की गर्लफ्रेंड पसंद है, तो वो सुनिन की तरफ देख कहता है, मीडियम लॉन्ग हेयर राउंड फेस। वो खुश हो रही थी, वो उसकी तरफ इशारा करता है, पर फिर याद आते ही फोन की तरफ इशारा करता है। गर्ल्स खुश होती हैं कि हैंडसम जुन ने उन्हें चुना, क्योंकि वो उनका आइडल था। जब जुन के बहुत सारे फैंस ने उसे गिफ्ट देने के लिए भीड़ लगा रखी थी, तो वो गिफ्ट लेने से मना कर देता है। तभी सुनिन कहती है, आप सबका थैंक यू, पर प्लीज किंगमिंग टीम को भी सपोर्ट करो। तो और जाने को कहती है, पर वो नहीं सुनते, पर जुन के कहने पर सब फैंस चले जाते हैं। सुनिन जुन को कहती है, अगर फैंस को पता चला कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो हम फैंस लूज कर सकते हैं। जुन कहता है, क्या तुम जेलस नहीं हो। वो कहती है, हाँ हूँ, पर कोई और ऑप्शन भी नहीं है। लिंगजोन टूटू से कहता है, अगर मेरे फैंस मुझे गिफ्ट देने आएंगे तो तुम क्या करोगी। टूटू कहती है, किसी की हिम्मत, मेरे बॉयफ्रेंड को गिफ्ट दे, मैं उन्हीं की गिफ्ट लेकर उनसे उनका मुंह तोड़ दूंगी। नेक्स्ट डे जुन के फैन उससे ऑटोग्राफ लेने आते हैं, तो सुनिन के साथ साथ जैंग भी जेलस हो रहा था, क्योंकि जुन बहुत फेमस हो गया था। तभी फिर जैंग के फैंस आकर कहते हैं, हम तुम्हारी हैंडसमनेस के दीवाने हो गए, हम तुम्हें लाइक करते हैं। सब हंस रहे थे और फैंस जैंग के साथ सेल्फी लेते हैं, तो वो भी हंसने लगता है। तभी फिर से जुन के फैंस उसके साथ सेल्फी लेने आ जाते हैं। वो सब ये देख खुश होते हैं कि जुन के फॉलोअर्स बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रैंडपा इस बात से गुस्सा होते हैं कि उनका इकलौता पोता घर से भागकर इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गया, और अगर वो पैसे कमाने लग गया तो घर भी वापस नहीं आएगा। और फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां जुन की ट्रेनिंग चल रही थी, वहां जुन के फैंस जुन की तारीफ कर रहे थे, तो ये देख ग्रैंडपा खुश होते हैं। पर जब शैन के हाथ को पेन में देख जुन उसके पेन स्प्रे लगाता है, तो ग्रैंडपा गुस्सा हो चले जाते हैं। पर फिर घर आकर ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है। इंटरनेट पे ग्रैंडपा के बीमार होने की न्यूज देख सुनिन जुन को हॉस्पिटल जाने को कहती है, पर जैंग को लगता है ये ग्रैंडपा का नाटक भी हो सकता है जुन को वापस बुलाने के लिए। तभी टूटू कहती है, मेरी कजन उस हॉस्पिटल में नर्स है। तो सुनिन को एक आइडिया आता है और फिर वो ग्रैंडपा की नर्स बन जाती है। सुनिन की मसाज ग्रैंडपा को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सुनिन स्पोर्ट्स मेडिसिन डिपार्टमेंट से थी। नेक्स्ट सुनिन को सैड देख ग्रैंडपा उसके सैड होने का कारण पूछते हैं, तो वो कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड की फैमिली वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, शायद उन्हें लगता है मैं अच्छी नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं, कोई बेवकूफ ही होगा जो इतनी अच्छी और ब्यूटीफुल लड़की को रिजेक्ट करे, तुम उसके परिवार वालों पे ध्यान मत दो, यू ओल्ड पीपल का तो काम ही है हमेशा लव में टांग अड़ाते रहते हैं, तुम बस अपने लव को कंटिन्यू रखना। तो वो हंस पड़ती है। फिर बाद में जुन ग्रैंडपा से मिलने आता है और उनसे माफी मांगता है, पर ग्रैंडपा तो फीमेल कोच पर गुस्सा थे और जुन को फीमेल कोच से मिलवाने को कहते हैं, पर वो सबको ले आया था। तो ग्रैंडपा कहते हैं, वो फीमेल कोच कौन है, उससे मिलवाओ।
तभी सुनयन आगे आकर कहती है, मैं हूँ सुनयन। ग्रैंडपा बहुत हैरान थे। फिर बाद में सुनयन ग्रैंडपा को कहती है, जिनको बास्केटबॉल बहुत पसंद है, प्लीज उसे खेलने दीजिए। ग्रैंडपा कहते हैं, पहले ये बताओ, जुन बास्केटबॉल को ज्यादा लाइक करता है या तुम्हें? वो कहती है, ऑफ कोर्स मुझे, पर मुझे उसका बास्केटबॉल खेलना ज्यादा पसंद है। और फिर व्हीलचेयर प्लेयर को दिखाकर कहती है, भले ही वो व्हीलचेयर पर हैं, पर उनका बास्केटबॉल से प्यार खत्म नहीं हुआ, तो क्या आप जुन को खेलने से रोकेंगे? ग्रैंडपा कहते हैं, तो फिर नेक्स्ट मैच में मैं स्पॉन्सर करूंगा। वो खुश होकर ग्रैंडपा का थैंक यू करती है। फिर किंगमिंग और शेनहुआ टीम में बास्केटबॉल मैच स्टार्ट होता है। इस बार किंगमिंग टीम के प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो शेनहुआ के प्लेयर्स जानबूझकर जुन को गिरा देते हैं। फिर बाद में शेनहुआ का कैप्टन जिया जी चूरैन की ट्रिक फॉलो करता है, तो वो किंगमिंग टीम से ज्यादा स्कोर बना लेता है। सुनयन की बताई ट्रिक को फॉलो कर लिंगजोन शेनहुआ के गोल होने से रोक रहा था। शेनहुआ और किंगमिंग टीम के स्कोर बराबरी पर चल रहे थे। शेन भी धड़ाधड़ स्कोर बना रहा था, तो जिया जी उसे कहता है, पिछली बार गिरने से पहले तू ऐसे धड़ाधड़ खेला था। पर सुनयन ने तो पहले ही प्लान बना लिया था, क्योंकि उसे पता था हो सकता है लास्ट मोमेंट्स पर चूरैन खेले, जो 5 मिनट में 20 गोल तक कर सकता है। इसलिए शेन कुछ मिनट्स का गैप लेकर खेलेगा, ताकि वो बार बार एनर्जी रिस्टोर कर सके, और इमरजेंसी के लिए उन्होंने एक प्लेयर भी रख लिया था। इसलिए फर्स्ट हाफ में किंगमिंग शेनहुआ से ज्यादा स्कोर बना लेती है। टूटू लिंगजुआन को बढ़िया खेलने के लिए हैंडबैग पहनाती है, और सुनयन भी जुन को हक करके एनर्जी देती है। अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार मिलने के बाद लिंगजुआन और जुन धड़ाधड़ गोल करते हैं। किंगमिंग टीम बहुत आगे हो गई थी, इसलिए चूरैन एक प्लेयर को रिप्लेस कर खुद गेम में आ जाता है, और उसके आते ही वो धड़ाधड़ गोल बनाना स्टार्ट कर देता है, और तो और किंगमिंग टीम को भी गोल नहीं करने देता। इसलिए सुनयन और बाकी सबको टेंशन हो रही थी, और ऊपर से शेनहुआ का कोच भी उन्हें चूरैन की तारीफ कर डराने लगता है, पर वो उल्टा कोच को ही सुना देते हैं, तो वो चलता बनता है। शेनहुआ के स्कोर किंगमिंग से ज्यादा हो गए थे, इसलिए किंगमिंग टीम को गुस्सा आ रहा था, और वो इस बार पूरा कोऑपरेशन से खेलते हैं। जुन चूरैन का गोल भी रोक देता है, जिससे वो हैरान था। चूरैन और जुन एक दूसरे को देख रहे थे, और बॉल जुन के हाथ में थी, पर चूरैन जुन को गोल करने से नहीं रोक पाता। चूरैन वाज टोटली शॉक, पर सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि किंगमिंग टीम जीत गई थी, और शेनहुआ टीम उन्हें हंसता देख उदास थी। इस बार सुनयन ने फैंस को जुन की गर्लफ्रेंड होने वाली बात हाइड नहीं की थी, इसलिए जुन खुश था। पर ज्यादा खेलने से शेन की हाथ की कंडीशन काफी खराब हो गई थी। वो जुन और सुनयन से इस बात को छुपा रहा था, पर उन्हें पता चल ही जाता है। सुनयन को सैड देख जुन कहता है, चिंता मत करो, हम शेन को अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। प्रिंसिपल जीतने पर किंगमिंग टीम को ऑफिशियल प्लेयर अनाउंस कर देती है, पर सुनयन खुश होने के बजाय सैड थी, क्योंकि वो कोच होने के नाते अपने एक प्लेयर यानी शेन का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाई थी। सुनयन को सैड देख जुन उसे हमेशा खुश रहने का प्रॉमिस करने को कहता है। वो हाँ कर देती है, पर उसे तो कुछ और भी चाहिए था। वो कहती है, क्या चाहिए? वो कहता है, तुम्हें कल पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में सुनयन बार बार ड्रेस चेंज कर रही थी और जुन को दिखा रही थी। फिर जुन उसे शॉपिंग करवाता है, वो प्राइस देखकर ही छोड़ देती है, तो जुन उसके लिए वो सब कुछ बाय कर लेता है, और बॉडीगार्ड सामान लेकर उनके पीछे पीछे। ज्यादा सामान की वजह से सुनयन उसे बस से चलने को कहती है, और दोनों ने एक दूसरे के शोल्डर पर सिर रख रखा था। पर सुनयन अभी भी शेन वाली बात को लेकर सैड थी, तो जुन उसे हक करके रिलैक्स करने को कहता है। फिर वो दोनों स्वीट पोटैटो भूनकर खाते हैं। जुन को लूज मोशन ना हो, इसलिए वो उसे थोड़ा सा देती है। जुन उसके लिए बहुत सारे डॉल्स कैच करता है, तो वो बहुत खुश होती है। फिर रात में दोनों साथ में मून एंड स्टार्स देखते हैं, क्योंकि अब तो दोनों लवी डवी कपल बन गए थे। फिर दोनों साथ में मिलकर खाना बनाते हैं, पर सुनयन को डैड की याद आ गई थी, तो वो उसे चुप कराता है, और फिर दोनों साथ में स्पाइसी डिनर करते हैं। नेक्स्ट सीन में सुनयन लुए को कहती है, प्लीज तुम किंगमिंग के असिस्टेंट कोच बन जाओ, और इस बहाने तुम अपनी ऐना के भी करीब हो पाओगे। वो कहता है, माना कि लव प्रीशियस है, पर मैं शेनहुआ का कैप्टन था, और मैं चूरैन की तरह धोखेबाज नहीं बनना चाहता। सुनयन सैड थी, तो जुन सुनयन को एक आइडिया बताता है, जिससे लुए असिस्टेंट कोच बन जाएगा। और फिर जुन लुए को दोस्ती का वास्ता देकर असिस्टेंट कोच बनने को कहता है, पर दोस्त तो कमीने होते हैं, तो लुए मना कर देता है। जुन भी कहां कम था, लुए को उसकी सेमी न्यूड फोटोज और अगली फोटोज दिखाकर कहता है, तो क्या मैं इन्हें ऑनलाइन पोस्ट कर दूं? लुए कहता है, पहले डिलीट कर, फिर हाँ करूंगा। वो डिलीट कर देता है, पर लुए मना कर चला जाता है। जुन के पास फोटोज का बैकअप था, पर वो फिर भी डिलीट कर देता है। फिर सुनयन के कहने पर ऐना लुए को असिस्टेंट कोच बनने को कहती है, और उसे रोमांटिक होकर बातें कर रही थी,
पर लुए बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है और शेनहुआ के कोच से जाकर कहता है, मैं किंगमिंग का असिस्टेंट कोच बनने जा रहा हूँ क्योंकि अब मेरा शेनहुआ से कोई वास्ता नहीं रहा। जब लुए किंगमिंग का असिस्टेंट कोच बनने के लिए हाँ कर देता है तो एना बहुत खुश होती है। जैसे ही फैंग फाउल करता है तो सुनिन उसे बताने वाली थी, पर तभी लुए उससे पहले ही उसे बता देता है। तो सुनिन सोचती है, लुए तुम उससे बहुत अच्छा कोच है, यानी अब मैं अपनी कोच की पोजीशन छोड़ सकती हूँ। और इसी के साथ पार्ट 8 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।